गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने लास्ट व्लॉग में हमने आपको देहरादून का हाल दिखाया, जहां माल देवता में सॉन्ग रिवर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। जिन्होंने वो व्लॉग नहीं देखा है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, आप ज़रूर देखिएगा। वहां का हाल देखने के बाद हमारा वहां रुकने का मन नहीं हुआ और हम लेट नाइट पहुँच गए मसूरी मॉल रोड। मसूरी मॉल रोड पे हमने होटल हॉरिजन, जो कि बिल्कुल मॉल रोड से 500 मीटर्स के डिस्टेंस पर है, ऑन रोड है, वो हमने लिया, जो बहुत ही ऑसम होटल है, बहुत ही नीट, स्पेशियस एंड बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी है वहाँ की। होटल का प्राइस हमें डबल ऑक्यूपेंसी के साथ विद एक्स्ट्रा बेड 3000 रुपीज़ पर नाइट का पड़ा, जो मेरी नज़र में बहुत ही चीप पड़ रहा था। नाइट व्यू देखने के लिए हम लोग मॉल रोड पे निकले। काफ़ी लंबी और बड़ी मॉल रोड है, हर तरह के ब्रांड का शोरूम वहाँ पर आपको मिल जाएगा। स्ट्रीट फूड की भी कई सारी दुकानें हैं, कई सारी वैरायटीज़ हैं खाने की। बहुत लंबी मॉल रोड मिली हमें। बादलों की आवाजाही मॉल रोड के साथ ही चल रही थी, वो हमें छू कर निकल रहे थे। इतना सुंदर और मनमोहक दृश्य था कि एंजॉय करने का मन कर रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वाइल्ड क्राफ्ट कंपनी ब्रांड जो है, साल में 2 बार सेल निकालती है 50% ऑफ की, 15 अगस्त पे और 26 जनवरी पे। मैंने और रुद्राक्ष ने वहाँ पर जाके शॉपिंग करी और स्कीम का फ़ायदा उठाया। और चलिए मॉर्निंग में आपको लेकर चलती हूँ लैंडोर, विच इज़ 5 किलोमीटर्स अबव मसूरी एंड इज़ माई ड्रीम प्लेस। और आप एक बार जाइए, यकीनन आपका भी वो ड्रीम प्लेस बन जाएगा। लैंडोर इज़ अ कंटोनमेंट जोन विच इज़ 5 किलोमीटर्स अबव मसूरी। लैंडोर को ब्रिटिशर्स ने 1827 में अपने सोल्जर्स को मिलिट्री फैसिलिटीज़ देने के लिए बनाया था, एंड ग्रेजुअली इट बिकम्स अ कंटोनमेंट जोन। यहाँ का जो फर्स्ट लैंडमार्क है वो है चार दुकान, जहाँ ब्रिटिशर्स के टाइम पे 4 दुकानें थी और अब 6 हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। क्योंकि ये कंटोनमेंट जोन है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली बैंड है, इट इज़ प्रोहिबिटेड। 4 दुकान में अनिल्स कैफ़े एंड टिप टॉप शॉप आर फेमस फॉर देयर ऑमलेट्स, जिंजर लेमन हनी टी विच इज़ माई फेवरेट ऑल्सो, ऑमलेट बंस, मैगी, पराठाज। तो जब भी आप यहाँ आएँ, टिप टॉप शॉप पे ज़रूर ऑमलेट बन खाएं। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, जिनकी पिक्चर्स यहाँ लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। लिव क्लोज टू नेचर एंड यू विल नेवर फील लोनली, ऐसा मैं नहीं, फेमस ऑथर रस्किन बॉन्ड कहते हैं, जो यहाँ आए और फिर यहीं बस गए। लैंडोर इज़ अ माउंटेन लवर्स पैराडाइज। फ्रैंकली स्पीकिंग, देर इज़ नथिंग मच टू डू हेयर, बट इफ़ यू लव वॉकिंग लाइक मी, देन देर इज़ प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू डू। ये है सेंट पॉल्स चर्च, जिसे ब्रिटिशर्स ने 1840 में बनाया था। यहाँ पर एक लैंडोर लैंग्वेज स्कूल भी है, जहाँ ब्रिटिशर्स को हिंदी, उर्दू और गढ़वाली सिखाई जाती थी, जो अभी भी सिखाई जाती है। मसूरी के इतने पास होते हुए भी ये ब्यूटीफुल प्लेस ऑफबीट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन के ऑप्शंस बहुत कम हैं एंड इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव टू। अब हम आ जाते हैं सिस्टर्स बाज़ार में, जहाँ का लैंडोर बेक हाउस इज़ फेमस फॉर इट्स बेकरी प्रोडक्ट्स, डिलीशियस बेकरी प्रोडक्ट्स। यहाँ वैरायटी ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। बहुत ही सुंदर इंटीरियर है इसका, केक्स, पैनकेक्स, पेस्ट्रीज़,
स्वीट्स ये सब अवेलेबल है यहाँ पर। ये बेक हाउस मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड है और आज भी वैसे ही मेंटेन कर रखा है जैसे कि 100 साल पहले था। इसके अंदर के इक्विपमेंट्स, यूजेस, यूटेंसिल्स सब 100 ईयर्स ओल्ड हैं। और एक बात आपके नॉलेज के लिए और बता दूँ, यहाँ पर वाईफाई नहीं चलता, नेटवर्क नहीं चलता, तो कुछ भी परचेज करने के लिए आपको कैश ट्रांजेक्शन ही करनी पड़ेगी। लैंडोर इज नॉट अ प्लेस, इट इज़ अ फीलिंग। तो आप भी ये फीलिंग लेने के लिए यहाँ ज़रूर आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।